दोस्तों जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे हो कि आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसका साइज है 11x25, बहुत ही स्मॉल हाउस प्लान है दोस्तों, बहुत ही कम जगह में बेहतरीन मॉडल मैंने डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला सर मुझे 11x25 का एक हाउस प्लान डिजाइन करके दीजिए। वैसे कि हमारे चैनल पर आप देख सकते होंगे 12x25 या 11x22 बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे, लेकिन 11x25 का मॉडल नहीं था और काफी रिक्वायरमेंट थी इस मॉडल की जो कि मैंने डिजाइन किया है। अभी कुछ खूबसूरत सा डिजाइन देख पा रहे होगे। अगर हम बात करें फ्रंट से तो आप ऐसा देख पा रहे होगे मॉडल, और इसका फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर हम डिस्कस करेंगे। तो हमेशा की तरह सबसे पहले इसको मैं ट्रांसपेरेंट करके दिखा देता हूँ आपको। ट्रांसपेरेंसी में ये और भी बेहतरीन मॉडल दिखने वाला है। देखिएगा ये ट्रांसपेरेंट मॉडल हो गया और आप ट्रांसपेरेंसी में इसको बेहतरीन सा ये मॉडल देख पा रहे होगे, जैसा कि आप देखते होगे ये फ्रंट से और इसका टॉप व्यू। तो चलो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव करके और आपको डिस्कस करता हूँ पूरा मॉडल। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्मॉल हाउस प्लान को तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमारे चैनल को, हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि हमारे अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो जो भी मैं अपडेटेड वीडियो लाता हूँ आप तक पहुँचेगा, बेल आइकन दबाने से आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलो इस मॉडल का सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड फ्लोर। तो जैसे ग्राउंड फ्लोर पर आप चलते हैं तो फ्रंट से ग्राउंड फ्लोर आपको ये देखिए ऐसा देखिएगा। मेन डोर ये है, इसके ऊपर वेंटिलेशन के लिए विंडो है, और ये भी एक विंडो ही है लेकिन स्टाइलिश राउंडेड विंडो है। जैसे मेन डोर से एंटर करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर आपको बेडरूम एक मिल जाता है जो कि आप जैसा देख पा रहे हो बेडरूम, ठीक है। इस बेडरूम का साइज अगर आपको जाना है, पहले मैं आपको बता दूँ ये बेडरूम, इसके लिए ये गेट है, ये आपका विंडो है। अगर हम बात करें आपका ये इस वाले एरिया का, तो ये आपका बाथरूम है दोस्तों। यहाँ पर आप लेटरिन एंड बाथरूम कंबाइंड कर सकते हैं क्योंकि जगह बहुत ही सीमित है, तो आपको सारी चीज़ें ही एडजस्ट करनी पड़ेंगी। और मैं आपको बता दूं जो आपकी स्टेयर्स है, किचन की बात करें तो स्टेयर्स के नीचे ही आपका किचन डिजाइन हो पाएगा। आप यहाँ पर ओपन किचन डिजाइन कर सकते हैं, स्टेयर्स के नीचे छोटा सा किचन आपका डिजाइन हो पाएगा क्योंकि जगह ज्यादा ना होने के कारण आपको सारी चीजें यहीं पर एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो किचन के नीचे आप छोटा सा ओपन किचन, सॉरी स्टेयर्स के नीचे आप छोटा सा ओपन किचन या डिजाइन कर लें, और ये आप पूरा मॉडल देख पा रहे होंगे। और यहाँ से आप स्टेयर्स से ऊपर जाएंगे और आप इधर की तरफ ओपन होंगे। तो अगर आपको इसका साइज जाना है तो हमारी वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा, क्योंकि इस वेबसाइट पर पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा विद साइज, आपको कितने रूम का साइज क्या है, इस बाथरूम का साइज क्या है, और ये वाला कितना साइज है, यहाँ पर आपको ओपन एरिया क्या मिला, पूरा साइज एक एक यहाँ पर बताया गया है वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप यहाँ जैसे विजिट करेंगे सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये फर्स्ट फ्लोर हो गया जो आपको बता दिया है 11x25 का ये मॉडल है। सिर्फ एक रूम ही डिजाइन हो पाएगा क्योंकि 25 फीट दोस्तों बहुत ही कम जगह होती है, लंबाई की बात करें 12 फीट चौड़ाई बहुत कम होती है। तो मैंने सारी चीज़ें जहां तक डिजाइन हो सकी हैं डिजाइन की हैं। अब मैं आपको ले चलूंगा इसके फर्स्ट फ्लोर पर। तो देखिए फर्स्ट फ्लोर आपको ऐसा दिखेगा फ्रंट से, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये बालकनी लगभग 2.5 फीट की मैंने निकाली है, और सारी चीज़ें ज़्यादातर वही सेम ही हैं। आप जैसे ऊपर आएंगे तो ये बेडरूम मिलेगा, ये बाथरूम, अगर आप नहीं चाहते हैं बाथरूम तो यहाँ से हटाकर आप ये ओपन एरिया भी रख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये देखिए मॉडल बहुत ही बेहतरीन है, मैंने थोड़ा सा डिजाइनिंग भी यहाँ पर दिया है जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये अगर आपको पट्टी सा दिख रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख पा रहे होगे। तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर था। यहाँ पर जैसे आप इस गेट से बाहर बालकनी में टहल सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और ये वही मैंने, अगर आप लेटरिन बनाते हैं तो यहाँ वेंटिलेशन के लिए आपको एक विंडो देना पड़ेगा राउंडेड, मैंने जो को दिया है। तो ये उसका फर्स्ट फ्लोर हो गया। मैं लास्ट फ्लोर की बात कर लेता हूँ। तो लास्ट फ्लोर आप देखिएगा तो ऐसा आपको दिखने वाला है ये, ठीक है। अगर टॉप व्यू इसका देखें ऊपर से तो ये सिर्फ स्टेयर्स के लिए मैंने ढक दिया है बारिश से, और आप यहाँ ऊपर आ सकते हैं। ये लगभग 2.5 फीट का बाउंड्री या रेलिंग आप जो भी कहें, और ये आपका फिर से 2.5 फीट का लगभग आगे को आपको बाउंड्री या रेलिंग मिल जाता है। तो ये पूरा मॉडल था जो आज हम डिस्कस करने वाले थे 11x25 का। स्पेस बहुत ही कम है इसलिए वीडियो भी कुछ खास ज़्यादा अच्छा नहीं बना होगा मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैंने जितना हो सका है संभव प्रयास किया आप लोगों को बेस्ट देने का। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें आप लोग, और इसको सब्सक्राइब कर लिए अपने चैनल को। वीडियो को आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं करते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, जिससे हमारा ये चैनल थोड़ा ग्रो कर सके और आप लोगों के लिए और भी मैं मोटिवेशनल वीडियो, जिससे हमारा चैनल ग्रो कर सके और आप लोगों के लिए मैं बेस्ट वीडियो दे सकूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।